इस वीडियो में मैं आपको कैरियर ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि 10वीं और 12वीं करने के बाद आप कौन सा फील्ड चुन सकते हो और इस फील्ड में आपको रोजगार जल्दी से प्राप्त हो सकता है। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो बताऊंगा। कुछ तो इसमें ऑप्शंस हैं जो 10वीं के बाद ही खुल जाते हैं और कुछ ऑप्शन हैं जो प्लस टू के बाद खुलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो 10th के बाद जो ऑप्शन खुल सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 10th के बाद जो एक सीधा ऑप्शन होता है वो प्लस टू करने का होता है, और उसके अलावा अगर 10th के बाद आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो तो टेक्निकल फील्ड में आप 10वीं के बाद आईटीआई कर सकते हो। तो आईटीआई में जो विभिन्न ट्रेड्स होती हैं जो एक साल की और दो साल की हैं, तो इनमें जो मुख्यतः जो मेन ट्रेड्स हैं वो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन, सिविल, ये मोटर मैकेनिक व्हीकल, ये सारी जो है दो साल की ट्रेड्स हैं। और जो एक साल की जो मेन ट्रेड्स हैं उनमें मैकेनिकल, मैकेनिक डीजल इंजन, वेल्डर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टेनो, हिंदी और कटिंग एंड स्विंग, तो इस प्रकार की जो ट्रेड्स होती हैं जो इसमें लड़के और लड़कियां किसी भी ट्रेड में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो इसके बाद जो आईटीआई करने के बाद ऑप्शन खुल जाते हैं कि या तो वो अप्रेंटिस कर सकते हैं किसी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान से, या फिर वो डायरेक्ट प्लेसमेंट होके किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आईटीआई का ऑप्शन जो मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। दूसरा होता है कि मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा भी अलग अलग ब्रांचेज में, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन सब में 3 साल का डिप्लोमा होता है। उसके बाद अगेन यही प्रोसेस है कि इंडस्ट्री में जा सकते हैं 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद। तो इंडस्ट्री में जो जिस भी फील्ड में डिप्लोमा किया है तो उसी टाइप की इंडस्ट्री में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो है कि मैट्रिक के बाद आप जैसे जल्दी से जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास ये आईटीआई और पॉलिटेक्निक का ऑप्शन है। उसके बाद 10वीं के बाद अगर आप 12वीं कर लेते हैं तो 12वीं में भी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, उसमें आर्ट, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये मेन जो 4 ब्रांचेज हैं। आर्ट में जो आप प्लस टू करते हैं तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन जो बीए, बैचलर ऑफ आर्ट वगैरह वो कर सकते हो कोर्सेज उसके बाद। और इसमें जो नॉन मेडिकल के बाद जो इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हो बीटेक में, और नॉन मेडिकल से अगर आप प्लस टू करते हो तो आप पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा के सेकंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हो। तो प्लस टू जो करे होते हैं नॉन मेडिकल से उनके लिए डिप्लोमा जो होता है पॉलिटेक्निक का वो केवल 2 साल का होता है। और प्लस टू के बाद अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हो तो बीटेक में भी अगेन वही मेन ट्रेड्स हैं जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आजकल जो नई ट्रेड्स भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है जैसे मैकाट्रॉनिक्स वगैरह, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक के बारे में सिखाया जाता है। और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और उसमें चैट जीपीटी वगैरह जैसी साइट्स आ गई हैं, जो ऐसी एप्स आ गई हैं जिसमें आपको सिर्फ एक वो ऑप्शन डालना होता है, जो भी आप सर्च करते हो तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो इस प्रकार की जो एडवांस टेक्नोलॉजी की जो वो ब्रांचेज हैं प्लस टू के बाद इंजीनियरिंग में वो ऑप्शन खुलते हैं। और इंजीनियरिंग में जो एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है जो हर साल, उसमें जो प्लस टू अपीयरिंग है वो भी दे सकते हैं, ये प्लस टू पास आउट तो देती हैं उस एग्जाम को। तो उसके बेसिस पे IIT वगैरह में, IIT, NIT वगैरह में एडमिशन होता है। अब बात करते हैं हम जो मेडिकल से जो स्टूडेंट प्लस टू करते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो वो NEET नीट का जो एग्ज़ाम होता है जो हर साल होता है, तो उसमें उस एग्ज़ाम को मतलब क्लियर करने के बाद या उसमें जो अच्छा स्कोर करने के बाद वो MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। अगेन MBBS में भी जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो अलग अलग उनके बेनिफिट हैं, तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं।
और इसके अलावा जो मेडिकल के अगले कोर्सेज हैं जैसे डेंटल वगैरह में या किसी और फील्ड में या पैरामेडिकल में, उसमें भी वो स्टूडेंट जा सकते हैं। और इसमें जो एक और ब्रांच है जो बी फार्मा की है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, उसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों ही वो कर सकते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी। अब हम बात करते हैं कि जो इसमें कॉमर्स से प्लस टू करते हैं तो उनके लिए आगे जो ऑप्शन है बी कॉम का ऑप्शन है, उनके लिए बी कॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन कर ली है तो ग्रेजुएशन के बाद क्या ऑप्शन बनता है, तो ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर सकते हैं या आईएएस आईईएस के एग्जाम होते हैं उसमें भी जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक यूपीएससी वगैरह के एग्जाम देंगे तो अच्छा उसमें आगे कैरियर ऑप्शन है। जो उसमें जैसे मान लो आईएएस होते हैं इन पोस्टों पे, तो उस उन पोस्टों पे भी वो अच्छा स्कोर करने के बाद उन पे बैठ सकते हैं। अब आप कोई भी जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, दसवीं या बारहवीं करने के बाद जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड को आप समय रहते चुन लीजिए, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे किसी ने सलाह दे दी कि ये कर लीजिए इसमें जल्दी हो जाएगा, या कोई इस मतलब दूसरे फील्ड में हुआ है सफल हो गया तो आप भी उसके पीछे चल दोगे, तो आपने ऐसे किसी के पीछे नहीं जाना है, तो आपने खुद का जो इंटरेस्ट है वो चुनना है। उसके बाद भी जो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आपने अपना फील्ड चुनना है, और कोई भी फील्ड छोटा या बड़ा नहीं होता, उसमें आप फील्ड के अनुसार जितनी मेहनत करोगे आपको आउटपुट भी उसी के अनुसार मिलेगा। तो आशा है आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और अब आपको अपना जो फील्ड है जो कैरियर है वो चुनने में आगे आसानी रहेगी। और फिर भी अगर आप कोई ऐसी स्ट्रीम से या किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उसमें आप कैरियर ऑप्शन क्या क्या बन सकते हैं आपके, उस बारे में अगर आप राय लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, या इंस्टाग्राम पे टेक्निकल हरी सर पे डीएम कीजिए, तो आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी आपके लिए अच्छे होंगे या संभावित हो सकते हैं, तो वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो थैंक यू।